कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से किसान भाइयों को दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ा, लेकिन अभी एक राहत भरी किसान भाइयों के लिए खबर आ रही है। अब जो लहसुन के जो किसान हैं उनके लिए खुशखबरी है, भारत एक ऐसा मतलब देश बनने जा रहा है जो विदेशों में निर्यात करेगा। क्योंकि पहले क्या था कि लहसुन का जो आयात जो हर देश करता था वो चीन से करता था, लेकिन चीन पे अभी सभी दो देश लगाम लगाने वाले हैं और इसका डायरेक्ट फायदा हमारे देश को होने वाला है, भारत को होने वाला है, भारत के किसानों को होने वाला है। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी भी है, आपके देश की बड़ी मंडियों के अंदर आपके अच्छी खासे भाव भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे किसान भाई में खुशी की लहर भी है। आज हम देश की बड़ी मंडियों के भाव जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप किस मंडी के भाव जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन जरूर लिख दीजिएगा कि आपके पास में कितना लहसुन है और आप कितनी रेट में उसको बेचना चाहते हो और आप कहाँ के रहने वाले हो, जिससे आपको व्यापारी लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको अच्छे खासे दाम भी प्राप्त होंगे और आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों आज की बड़ी मंडी मध्य प्रदेश के चलते हैं। मध्य प्रदेश की हम बड़ी मंडियों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी मंडी है उसमें आप आज का भाव जाने तो गौतमपुरा के अंदर 3300 रुपये आपकी जो है लहसुन की रेट है देखी गई है, भाव में बिका है। नरसिंहगढ़ में आपका देखे जाए तो 7200 रुपये मतलब 7200 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। इंदौर के अंदर आपका 7000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को भाव मिला है। राजस्थान की गार्लिक मतलब लहसुन मंडी का भाव देखें तो आपका विजयनगर के अंदर 5780 रुपये प्रति क्विंटल, सूरतगढ़ के अंदर 6000 रुपये, जालौर में 6000, सोजत रोड के अंदर 7000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है, सोजत रोड में 7000 देखने को मिला है, और खानपुर में सबसे ज़्यादा भाव देखने को मिला है वो 9000 रुपये प्रति क्विंटल आपका भाव देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों भाव देखें तो हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मंडी में देखा जाए तो सोलापुर में आपका 6000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। अहमदनगर के अंदर आप देखा जाए तो 8000 रुपये प्रति क्विंटल भाव आपका देखने को मिला है। और चंद्रपुर गंजवाड़ के अंदर देखा जाए तो चंद्रपुर गंजवाड़ के अंदर आपका 8000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। चंद्रपुर गंजवाड़ देख लिया हमने। पुणे मौसी के अंदर आपका 7000 रुपये प्रति क्विंटल जो भाव है देखने को दोस्तों मिला है। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों के भाव जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखा जाए तो लहसुन के जो भाव रहे हैं वो अच्छे खासे आपको देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडी आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा के अंदर आपका 5550 रुपये प्रति क्विंटल देखने मिला है। अजोहा के अंदर आपका 5900, अकबरपुर के अंदर 6400 रुपये और आनंद नगर के अंदर 6060 रुपये प्रति क्विंटल आपका भाव देखने को मिला है। औरैया के अंदर 5750 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। आजमगढ़ के अंदर 6035 रुपये भाव आपका देखने को मिला है। बलिया की बात करें तो बलिया के अंदर 6090 रुपये आपका भाव देखने को मिला है। नेक्स्ट बलरामपुर में आपका 6200 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। बरेली में आपका 6200 रुपये प्रति क्विंटल भाव है देखने को दोस्तों मिला है। इटावा के अंदर आपका 6000 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहपुर के अंदर 6200 रुपये प्रति क्विंटल आपका जो भाव है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों हरदोई की बात कर लेते हैं। हरदोई के अंदर 5880 रुपये आपका भाव देखने को मिला है। झांसी में 5350 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। और आपका नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ के अंदर। लखनऊ में दोस्तों 6100 रुपये भाव आपका देखने को मिला है और आपका मिर्ज़ापुर के अंदर 6250 और नेक्स्ट देखें तो पूर्वा के अंदर 6000 रुपये प्रति क्विंटल आपका भाव देखने को मिला है और आपका उन्नाव में 5875 रुपये प्रति क्विंटल भाव है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिलासपुर में आपका 6250, सांदिलिया के अंदर आपका 5800 रुपये, रुदुली में आपका 6000 रुपये प्रति क्विंटल है भाव देखने को मिला है। रायबरेली का जाने तो रायबरेली में 5850 रुपये भाव देखने को मिला है। पली काला के अंदर आपका 5950 रुपये भाव देखने को मिला है। बाकी दोस्तों किस मंडी का आप भाव जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे पूछ सकते हो। और आप अपना लहसुन अच्छे दामों में बेचना चाहते हो, आने वाले दिनों के अंदर आपका लहसुन के कैसे भाव रहने वाले हैं वो भी आप हमसे जान सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जय भारत।